जय महाराष्ट्र मी रुजुता लुकतुके राजमंत्र या तुमच्या लोकप्रिय कार्यक्रमात तुमचं खूप खूप स्वागत असा कार्यक्रम आहे ज्या कार्यक्रमातलं भविष्य त्या कार्यक्रमातली भविष्यवाणी ही शंभर टक्के खरी होत असते आणि यापूर्वी आपण अनेकदा अनुभव तुम्हीही तसा घेतला असाल आणि असा खास कार्यक्रम आहे जिथे आपण राजकीय आणि सामाजिक विषयांवर भविष्यवाणी वर्तवत असतो आज नेहमीप्रमाणे पंडित राजकुमार शर्मा आपल्याबरोबर आलेले आहेत आणि बघूया आज कोणत्या विषयांना ते हात घालणार आहेत पंडितजी बहुत बहुत स्वागत आहे आपका इस शो मे बिल्कुल धन्यवाद <laughs> बिल्कुल पंडित जी इससे पहले हमने कई बार देखा है कि किस तरह से शत प्रतिशत भविष्यवाणी आपकी सही उतरी है इस बार जो शुरुआत जो है मैं ऐसे विषय से करना चाहती हूँ गणपति बप्पा के विषय से करना चाहती हूँ बिल्कुल क्योंकि एक हफ्ता है उसके बाद अगले सोमवार को गणपति बापा हमारे घरों में आने वाले हैं और हम महाराष्ट्र को और इस उत्सव को अच्छे से मनाते हैं उनकी आराधना करते हैं हैं तो मैं चाहूंगी आज आप भी उन्हीं की आरती आरती से हम जिसे आरती कहते इस शो की शुरुआत करें बिल्कुल सबसे पहले तो दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन और पिछले हफ्ते अनुपस्थित रहने के लिए क्षमा चाहता हूँ मगर मित्रों गणपति बप्पा हमारे महाराष्ट्र के आराध्य देव तो हैं ही हैं पर हिंदू संस्कृति के आदि देव माने जाते हैं कहते हैं जब शिव नहीं थे तब भी गणपति बप्पा थे क्योंकि गणपति बप्पा के बिना ये संसार की शुरुआत ही नहीं हो सकती थी इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश ने गणपति बप्पा का तब भी आराधना की और अब भी आराधना जो है उसी तरह चल रही है मगर हम गणों के गणपति और शिव और पार्वती के पुत्र गणपति की बात कर रहे हैं क्योंकि वो विघ्नहरता है और मित्रों आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि इस वर्ष शिक्षक दिवस के दिन यानी गणपति बुद्धि तुला राशि में गणपति का आगमन हो रहा है गणपति बप्पा हमारे घरों में दस दिन के लिए बारह दिन के लिए मेहमान बनकर आते हैं जनरली दस दिनों के लिए कुछ लोग एक दिन के लिए लाते हैं कुछ दिन दो, दो दिनों के लिए लाते हैं और जब आते हैं तो खुशियां ही खुशियां हमारे घरों में मंगलमय वातावरण हो जाता है इसलिए आप सबको गणपति बापा के आगमन की सब बहुत बहुत बधाई और ये आशा करते हैं कि गणपति बापा हमारे देश के लिए हमारे महाराष्ट्र के लिए सुख समृद्धि ऐश्वर्य धन लेकर आए और जब भी कहते हैं गणपति बापा का हम विसर्जन करते हैं वो सब विघ्नों को साथ में लेकर चले जाते हैं इसलिए आज का राज मंत्र गणपति बप्पा की आराधना से गजाननम भूत गणादि से कपिथ जम्बूफल चारु भक्षण उम शोक विनाशकारक नमा वि गणपताय गन, नम गण गणपताय नम गणपति बप्पा को प्रणाम करते हुए जैसे करते हैं। हम मराठी में कहते हैं गणपति बप्पा मोरिया मोरिया गणपति बप्पा मोरिया <laughs> तो भगवान आप सबको प्रसन्न रखे और हमारे देश में किसी भी तरह का कला क्लेश युद्ध ना हो मगर ग्रह अपना एक निर्माण करते हैं जिसके लिए हम राजमंत्र में आपके समक्ष ग्रहों का विश्लेषण और फलादेश रखते हैं पंडित जी जैसे अंत में आपने कहा कि गणपति बापा की आराधना और गणपति बापा का आगमन हमारे लिए कलह से विरहित हो बिल्कुल ये बहुत जरूरी है और यही इसीलिए हमने गणपति की बाप्पा की आराधना से शुरुआत की आज क्योंकि पहला सवाल ही ये है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जो अनबन आजकल कश्मीर में बनी हुई है कश्मीर के बारे में इससे पहले भी आपने शो में बात कही है और मुझे ठीक से याद है आपने कहा था कि किस क्या मोड़ आगे चल के कश्मीर की ये राजनीतिक परिस्थिति ले सकती है तो क्या गणपति बापा के आगमन से थोड़ी बहुत राहत कश्मीर के लोगों को मिलती हुए दिखे, मिलते हुए दिखेगी आने वाले दिनों में देखिए आने वाले दिनों में ये बात हजारों बार हम कह चुके हैं कि 16 नौ 2016 तक शनि और मंगल का योग है उसके पहले चांडाल योग था अभी प्रधानमंत्री के साथ महबूबा मुफ्ती मिल के गई हैं जब प्रधानमंत्री की कुंडली का अध्ययन करते हैं महबूबा की कुंडली का जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं और राजनाथ सिंह अभी हमारे गृह मंत्री वहाँ पर थे तो इन सब कुंडलियों का और कश्मीर का जब कश्मीर आज़ाद हुआ आज़ाद क्या हुआ कश्मीर बर्बाद हुआ मैं तो कहता हूँ उस दिन और आर्टिकल 370 की बात करें इन सब चीज़ों का जब हम अध्ययन करते हैं तो आज की परिस्थिति आज जो है चंद्रमा मिथुन और कर्क राशि में प्रवेश कर रहा है अभी कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा देखिए जब आप सवाल करती हैं तो हम उसका गोचर तैयार करते हैं है। उस दिन ग्रह कौन सा है उस दिन नक्षत्र कौन सा है उस दिन वातावरण किस तरह का बना हुआ है तो आज अगर हम हम चंद्रमा की परिस्थिति की बात करें तो मित्रों नौ ग्रह बारह राशियों में एक ही ग्रह ऐसा है जो चल विचलित रहता है यानी डेढ़ दिन में अपनी राशि बदल देता है कल मिथुन में था आज रात को कर्क में चला जाएगा फिर सिंह में चला जाएगा तो चंद्रमा की फिरती के हिसाब से चंद्रमा की राशि और गोचर के हिसाब से आपने जो सवाल किया है तो ये रेस्टलेस रहेगी अच्छा हाँ डेफिनेटली हमारी प्रार्थना कहते हैं कि प्रार्थना और दुआ में बहुत असर होता है आपके सिर पे लगने वाला पत्थर जो है वो आपके बाजू में लग जाता है और आप बच जाते हैं लोग मृत्यु योग से महामृत्युंजय पढ़ने के बाद बाहर निकल आते हैं इसलिए हम प्रार्थना तो करते ही रहेंगे गणपति बप्पा का आगमन भी होता रहेगा मगर ग्रह दशा जो है वो कश्मीर के लिए अनुकूल नहीं है कश्मीर में 16 नौ 2016 तक डेफिनेटली कोई रिजल्ट निकलेगा शांति बहाल हो जाएगी मगर आ, अगर आप ये कहो कि कश्मीर का परमानेंट हल हो जाएगा कतई नहीं कश्मीर का परमानेंट हल, हल जो है नरेंद्र मोदी जैसा सक्षम बहादुर व्यक्ति ही कर सकता है और उसके लिए वो तत्पर हैं। मैं हमेशा बोलता हूं हमारे देश को एक सूर्य जैसा नेता मिला है जिसका प्रकाश पूरे विश्व में फैला हुआ है महबूबा मुफ्ती के साथ बात करते समय भी उनकी बॉडी लैंग्वेज उनके फेशियल एक्सप्रेशन उनके कश्मीर के प्रति चिंता कटिबद्धता उनकी नज़र कटिबद्धता उन... और ये बहुत साफ साफ नज़र आती है मगर 16 नौ 2016 तक कोई ना कोई हल ज़रूर निकल आएगा वहाँ के जो अलगाववादी नेता हैं उनके साथ बैठकर कश्मीर के आवाम के लिए सिंपली सिटी आम जीवन जीने की जो वहाँ पर रवायत है वो वापस काम कायम हो जाएगी सोलह नौ दूर नहीं है मगर याद रखें ये अक्टूबर नवंबर ठीक रहने के बाद नवंबर में और बुरी तरह से बढ़ेगा क्योंकि पाकिस्तान में बैठे हुए अलगाववादी नेता जो कश्मीर को बढ़ावा दे रहे हैं वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं कश्मीर की आग को सुलझा सुलझाते रहेंगे जितनी देर तक अमेरिका और रशिया का वहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं होता वो फेबररी मार्च सत्रह में होगा क्योंकि शनि बदलेगा जब भी उसके बाद होगा तब जाकर कश्मीर की समस्याएं हल होंगी मगर आपने शो के माध्यम से मैं बहुत बार कह चुका हूं हाँ। और आज फिर कहने में कोई संकोच नहीं करूंगा कि जो पांच प्रतिशत लोग महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि पत्थर हाथ में लेकर हमारी सेना के ऊपर जोर जोर से फेंक रहे हैं या वहां पे वो कश्मीरी नहीं है वो नॉन कश्मीरी जी हाँ वो ये हमेशा से ये कहते आई है लेकिन पंडित जी पिछले हफ्ते आप नहीं थे लेकिन मुझे ठीक से याद है एक महीने के भीतर ही आपने कहा था कि युद्ध सदृश परिस्थिति वहाँ पे सीमा पे बनती दिखती है आपको क्या वो आसार अभी भी आपको नजर आते हैं देखिए आई विल रिलेट दिस टू अमेरिका जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर जॉर्ज डब्ल्यू बुश जब थे तो उनके टाइम के ऊपर भी युद्ध हुआ था जूनियर आए तो भी युद्ध हुआ हु. अटल बिहारी के के समय ऊपर आपको पता होगा युद्ध हुआ कारगिल का युद्ध हुआ और आ, हाँ, 2019 तक नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री हैं और ऊपर से एक बहुत बड़ा ए, मुद्दा उठ गया है कि बलूचिस्तान में इंडिया का तिरंगा लहराया जा रहा है देखिए भगवान अल्लाह उस परवरदेगार की कितनी कृपा है कि हमारे देश में हमारे देश में कश्मीर में पाकिस्तान का झंडा लहराया जाता था मगर हालात ऐसे बदले उस मालिक ने ऐसी कृपा की कि बलूचिस्तान में हमारा तिरंगा लहराया जा रहा है और नरेंद्र मोदी को भाईजान कहा जा रहा है इस तरह का वातावरण जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है अगर पाकिस्तान आज भी ग्रह दशा के मुताबिक चौदह आठ उन्नीस सौ में पाकिस्तान का जन्म हुआ है अगर पाकिस्तान आज भी इस विषय के ऊपर गहनता से गंभीरता से वो अपने अलगाववादियों को बाहर नहीं फेंकेगा तो वो दिन दूर नहीं जो मेरी भविष्यवाणी सत्य कर देगा कि पाकिस्तान के तीन टुकड़े होने वाले हैं बलूचिस्तान अलग हो जाएगा अफगानिस्तान के साथ के जो कोहाट और दूसरे इलाके हैं वो पाकिस्तान के साथ अफ़गानिस्तान को मिल जाएंगे एक छोटा सा टापू कराची और सिंध बच जाएगा जिस जो आ, ऐसा समझ लीजिए कि टैक्स फ्री जोन करके कोई बड़ा देश चलाएगा उसको और कश्मीर जो है हमें मिल जाएगा ये 28 साल के अंदर अंदर होने वाला था 2012 में की हुई भविष्यवाणी है 12 से 28 साल गिन लेना ये होने वाला है और यहां तक युद्ध की बात 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 करें जैसे ही शनि वृश्चिक राशि से धनु में जाएगा उसके बाद युद्ध के वातावरण बन जाएंगे क्योंकि युद्ध जो है वो बहुत बड़े लेवल पे नहीं होगा नहीं। बड़े लेवल पे नहीं होगा छोटे लेवल पे होगा दो चार दिन की लड़ाई होगी छुटपुट लड़ाई।, लड़ाई होगी मगर होगी इतनी जबरदस्त जिसमें पाकिस्तान को यह एहसास हो जाएगा कि हम हमेशा गलती करते हैं हमेशा मार खाते हैं मगर हमेशा हम वापस वैसे के वैसे ही हो जाते हैं इस बात के लिए मैं नरेंद्र मोदी और फॉरेन मिनिस्ट्री और राजनाथ सिंह गृह मंत्रालय का की पीठ तप तपाना चाहता हूँ शाबाशी देना चाहता हूँ कि हम शांति की बात नहीं करेंगे जितनी देर तक आप उग्रवाद को आज हमारे गृह मंत्री वहाँ पर जाकर दहाड़ कर आते हैं हाँ। बहुत बड़ी बात है इसके लिए मैं उनको उनका अभिनंदन करता हूं एंड आई विल डेफिनेटली बिग हैंड टू हिम हमने नए कुछ सबूत भी दिए दिए हुए हैं पाकिस्तान को जिसमें कि ये साबित होता है कि जो उग्रवाद जो होता है उनकी तरफ से होता है आतंकवादी वहाँ से भारत में घुसते हैं पंडित जी अगले विषय की ओर जाएंगे इसलिए क्योंकि बाढ़ के बारे में आप एक्चुअली कह चुके हो मौसम के बारे में थोड़े जो प्राकृतिक ये है वो बात करेंगे और अब हमें जो देखने मिल रहा है कि महाराष्ट्र में नहीं लेकिन उत्तर भारत में काफ़ी जगहों पे भारी वर्षा के कारण हमने देखा है अस्त व्यस्त हो गई है वहाँ की परिस्थिति तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये बाढ़ क्या चीज़ है बाढ़ होती क्यों है देखिए सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बाढ़ के होने का बहुत बड़ा एक कारण है प्रोग्रेसिव ट्रैप अभी व्यक्ति मैं किसी से बात कर रहा था तो प्रोग्रेसिव ट्रैप का मतलब जो होता है हम प्रोग्रेस की बात करते हैं एक छोटी सी जगह के ऊपर तीस माले की बिल्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं प्रोग्रेस के सहारे हम कि भाई हमने प्रोग्रेस कर ली हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया हमने ब्रिजेस बना लिए हमने ये कर लिया मगर प्रोग्रेसिव ट्रैप में आपके नाले कहाँ हैं <laughs> प्रोग्रेसिव ट्रैप में आपने बिल्डिंग तो बना ली क्या आपकी उतनी आउटलेट है नहीं है आज महाराष्ट्र में मुंबई जैसे शहर में दिल्ली में कैलकटा में आप बनारस में चले जाइए और मद्रास में चले जाइए क्या हुआ क्योंकि काश देश आज़ाद होने से पहले पहले जो ब्रिटिशर्स ने जिस तरह की चीज़ें बनाई थी आज भी सत्तर प्रतिशत उसी के ऊपर लिपा की जाती है मुंबई बी में हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हो गया आज भी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई आप खड्डे नहीं भर पाएंगे ये हर साल आप देखते हैं इसी तरह प्रोग्रेसिव ट्रैप में फंसा हुआ आदमी जो है बाढ़ से पीड़ित हो जाता है प्रोग्रेस तो कर ली भाई प्रोग्रेस के साथ साथ में आपने उसके मेजरमेंट क्या लिए समाधान क्या किया आज आपने बिहार देखा होगा 1947 से जब से मेरा जन्म हुआ है जब से मैं होश में आया हूँ मैं हमेशा बिहार में देखता हूँ कि बिहार में ये परिस्थिति हमेशा आती है 67 लाख लोग बिहार और यूपी में बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं आपको याद होगा कि मैंने बोला था कि सूखे को तो पानी देकर संभाल लोगे पानी पिलाकर। जब बाढ़ आएगी तो क्या करोगे मित्रों आज वातावरण यूपी बिहार मध्य प्रदेश राजस्थान जैसे इलाके यहाँ पे मरुस्थल है वहां पर परिस्थितियां ऐसे आ चुकी हैं गुजरात में अगले दिनों आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ी बाढ़ आने के योग बने हुए हैं यहां तक भूकंप के बारे में भी हम बात करेंगे मित्रों मुंबई या महाराष्ट्र इससे अछूता नहीं है क्योंकि नक्षत्र कह रहा है कि 22 सितंबर तक 22 सितंबर तक ये मौसम की चाल जो है ये टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी आपने देखा होगा चार दिन बारिश हुई नहीं चार दिन पाँच दिन बारिश नहीं हुई और परसों से ऐसी धीमी धीमी बारिश हो रही है ऐसी बारिश हो रही है जो सेहत के लिए भी और कहीं, न कहीं ना कहीं नदियों के लिए भी दामों के लिए भी अच्छी नहीं है तो इसलिए ये बाढ़ का वातावरण आगे आने वाले दिनों में भी बढ़ेगा कम नहीं होगा कहीं ना कहीं कोई बड़ी घटना होने के भी कुयोग संयोग नहीं कहता हूं मैं कुयोग बनता हुआ दिखाई देता है अब तक 300 लोग मर चुके हैं इसमें 65 फाइव प्रभावित हो चुके हैं आगे आने वाले दिनों में मैं तो केंद्र से और उन प्रांत के मुखियों से यही प्रार्थना करता हूं कि आप सब कुछ छोड़ के बाढ़ पीड़ितों का की मदद करो बहुत जरूरी है जी लेकिन क्या इससे हमारे किसानों, के किसानों की फसल भी प्रभावित होगी देखिए किसानों की फसल ज़रूर प्रभावित होगी मगर कुछ जगहों पे जहाँ पर बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था लातुर उस्मानाबाद भीड़ जैसे और इवन मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में जो रबी की क्रॉप है वो डेफिनेटली अब जो वातावरण है अगर एनालिस्ट की अगर आप बात करें तो 10 टू 15 परसेंट क्रॉप जो है वो ज्यादा आएगी पानी आने से स्रोत भर जाएंगे खेतों में पानी की कमी नहीं होगी इसके लिए अगला साल भी हमारा जो है वो अच्छा जाएगा मगर आज जो जनप्रतिनिधि जो गरीब आदमी जो दुखी हुआ हुआ है और लालू जी कह रहे हैं कि गंगा आपके घर में आ गई अच्छा भी है बुरा भी है देखिए कितनी बड़ी बात है और यहाँ पे व्यक्ति मर रहा है कोई भी बड़ा व्यक्ति अपने घर में गंगा क्यों नहीं चाहता भैया अपने घर में गंगा लेकर आइए यहाँ तो गरीब मर गया आपको मस्ती सूझ रही है इसलिए मित्रों मैं आप यहां पर डेफिनेटली इस बात का खंडन भी करता हूँ और प्रार्थना करता हूं कि कहीं ना कहीं हमारे जितने भी नेता हैं उनको आगे बढ़कर हर उस व्यक्ति को दवा दारू उसका इलाज उसको खाना मुहैया करवाना चाहिए जब आप वोट लेते हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसकी हर जरूरत को पूरी करो जी हाँ और हमें तैयार भी रहना चाहिए ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा के लिए मगर हम तैयार होते ही नहीं जी हाँ अब अप... मैटर तो यहाँ प्रॉब्लम तो यहाँ है कि हम तैयार होते ही नहीं इसलिए Anyway, हम निराशा के सिवा कुछ नहीं, नहीं आ, ऐसा उम्मीद है है इस सरकार से कि कुछ उन, उन्होंने उसकी तजवीज़ की होगी लेकिन पंडित जी एक अगला विषय है जो कल हमने देखा हाईकोर्ट ने मुंबई हाईकोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है हाजी अली के मजहार प्रवेश के बारे में महिलाओं का प्रवेश तो उसके बारे में अब आगे आपको क्या दिखता है कि क्या इतना उतना आसान होगा जितना निर्ण, आसान निर्णय दिया हुआ है न्यायालय ने क्योंकि छः हफ्ते का टाइम है उनको भी कमेटी को भी हज कमेटी को भी कि वो सर्वोच्च न्यायालय में जाए देखिए न्यायालय में जाए सुप्रीम कोर्ट में जाए यहाँ पर चीफ जस्टिस अभी कोई महिला आई है मेरे को लगता है तो उन डेफिनेटली एक बात तो पक्की है कि कहीं भी चले जाएं ये मैंने प्रडिक भी किया था अपने शो में कि उनको राहत मिलेगी और महिलाओं को आगे बढ़ने के योग बनेंगे अरे हमारे जिस दरगाह पे जाने के लिए आप महिलाओं को रोक रहे हैं जिस बुजुर्ग की दरगाह पे आप दुआ करने के लिए रोक रहे हैं वो भी तो किसी महिला से ही जन्म ले चुके हैं आज हम भगवान राम की बात करें सिंपल सी बात है ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है तिन क्यों मंदा आखी है जिन जम में राजान जिन्होंने राजाओं को भगवान राम कृष्ण और मोहम्मद को पैदा किया है उनको आप कैसे रोक सकते हैं दुआ करने के लिए सबसे पहले तो ये बात है कि शनि और मंगल की ये आप तीन हफ्ते की बात करते हैं बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर यू विल सी कि सब्रिय मेलेिया जैसे जगह के ऊपर जाने के लिए भी भारतीय सुप्रीम कोर्ट भारतीय न्यायाधीश जो है वो महिलाओं को इजाजत दे देगा इस यहाँ पर तृप्ति देसाई की पीठ थपथपानी पड़ेगी और मैं उन सभी महिलाओं का अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने ये इतना बड़ा कदम उठाया है ये ऑर्थोडॉक्स घटिया बात है हाँ आप किसी मजार के ऊपर चढ़कर नहीं प्रेयर कर सकते हैं। आप मैं पहले भी बोल चुका हूं हाँ। आप शिंगनापुर के पत्थर के ऊपर तो नहीं चढ़ सकते हैं हाँ, मगर डेफिनेटली उस चबूतरे के ऊपर चढ़ के आप प्रार्थना करने के पूरे पूरे हकदार हैं और इस हक के लिए अगर आपको कोई रोकता है तो डेफिनेटली वो दंड का अधिकारी है मैं तो अपने मुस्लिम भाइयों से भी प्रार्थना करूंगा कि कहीं भी अगर अजमेर शरीफ में महिला जाकर मैं अपनी मिसिस के साथ जाता हूँ अगर अज हम लोग कहीं भी दरगाह पर जाते हैं तो अगर अजमेर शरीफ में महिलाओं का अंदर जाना तो यहाँ पे भी अंदर जाने में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए इसलिए मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है सभी धर्मों को कि हम लोग एक हैं हम लोग इस गंगा यमुनी तहजीब जो है इसको कायम रखें और आगे भी इसके लिए हम हम प्रार्थना करते हैं कि आगे भी उन सभी महिलाओं को सफलता मिले पंडित जी पिछले हफ्ते जब आप नहीं थे तो हमने सबसे ज्यादा आपको मिस किया और हमारे दर्शकों ने भी जिन्होंने फोन करके हमें पूछा कि पंडित जी नहीं है तो वो इसलिए कि वो जानना चाहते थे शेयर मार्केट आने वाले हफ्ते में कैसी क्या कर, क्या गुल खिलाएगा कहते हैं <laughs> <laughs> तो तो बड़ी अच्छी बात है कि शेयर मार्केट नेुल कोई गुल नहीं खिलाया ज्यादा हाँ, इनफेक्ट हमने जो बोला था अट्ठाईस का आंकड़ा अट्ठाईस का आंकड़ा उससे ऊपर गया नहीं मगर नीचे जरूर आ गया हमने बोला था कि ये भाई ये अभी तक चांदाल योग खत्म हुआ है शेयर मार्केट डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर थर्टी थाउजेंड पार करेगा इस बात में कोई दो राय नहीं आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट रहें तो चलेगा और छोटी स्क्रिप्ट खरीद कर लंबी अवधि के लिए बैठेंगे तो और लाभ मिलेगा आपको मगर बी की बात करें तो बी एस ए, के ऊपर बंद हुआ और आज अगर हम बात करें तो अगले हफ्ते में 28,400 मैक्सिमम आंकड़ा और 27,500 का नीचे का आंकड़ा है मगर मार्केट के बढ़ने के योग बनते जा रहे हैं यह हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते और एन एस सी निफ्टी की बात करें तो जो हमने आपको बोला था 8,550, ऑलमोस्ट वो छू चुका है आठ पे बंद हुआ है अगले हफ्ते 8,450-460 के नीचे बाजार नहीं जाता दिखाई देता निफ्टी और 8,715 के ऊपर वापस जा सकता है गोल्ड की बात करें तो गोल्ड 30,990 थोड़ी घिसरन आएगी हमने 15 दिन पहले बोला था तो घिस आ चुकी है मित्रों गोल्ड खरीद सकते हो आप 30,500 से गोल्ड नीचे जाता नहीं दिखाई देता मगर आगे आने वाले 15 दिनों में डेफिनेटली बत्तीस या इकतीस फिर छू सकता है सिल्वर एक ऐसी कमोडिटी है जो वापिस हमारे पुराने दरों पर आ गई तीन हजार चार हजार पांच हजार पॉइंट वापिस गिरा हुआ है 43,977. थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड सेवेंटी सेवन इट्स अ वेरी गुड टाइम टू बाई देखिए जब सिल्वर आपको याद होगा जब थर्टी एट थाउजेंड था तभी भी हमने बोला था तो आज मैं यही बोलूंगा कि सिल्वर आप नीचे का स्तर 42,500 का है और ऊपर का स्तर वापस 45 टू 45,800 का है और क्रूड ऑयल जो है वन कैन बाय 3,194 पे बंद हुआ मगर 3,050 मेरा नीचे का स्तर है और ऊपर का स्तर जो है थ्री टू फाइव ज़ीरो है इसी तरह कमोडिटी में सिल्वर एक सबसे आई कैन से कि अगले पंद्रह दिनों में सिल्वर कैन गिव यू लॉट ऑफ मनी सिल्वर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पर हम ये ज़रूर लिखते हैं कि फ़ायदा और नुकसान आप ही के हक हाँ का है वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस प्रोडिक्शन बट पीपल डेफिनेटली लोग हमें लिखते हैं कि हमने पैसा कमाया हमें अच्छा लगा I wish you a very big investment, big go and good investment. बिल्कुल पंडित जी आज हमने कुछ गिने चुने विषय लिए लेकिन विस्तार से उन विषय के बारे में बात की कुछ आपसे जानने की भी कोशिश करी कि ये संकल्पनाएं क्या होती है बिल्कुल। तो आज वक्त हो चुका है कि आज हम यही रुक जाए लेकिन शुक्रिया अदा करेंगे आपका कि जिन मुद्दों पे आज आपने भविष्यवाणी की है हमने सतर्कता से हमने भी सुनी हुई है आज प्रोग्राम मध्य इधे थामी एकदम पुनः एकदा तुम्हें दरवे आम पत्र पठवत अता कलवत अता कि तुम्हारा कार्यक्रम बदल पंडित जी ने भेटने की इच्छा व्यक्त करत असता या पत्रांमधनं त्याची पोच एक द्यायची आहे सूर्यकांत आंधळे सुमित हलचल कल्पना हलचल मोहन पाटील हे भुसावळमधून त्यांनी पत्र लिहिलं आहे प्रियंका राठोड पुण्याहून राजकिरण देशमुख आणि कुणाल रानश रणशूर नाशिकहून या सर्वांनी आपल्याला कळवलं आहे आणि पंडितजींचे आभार मानले आहेत तर ते तुमच्यापर्यंत आम्ही पोचवतो या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आज इथेच थांबतो आहोत या कार्यक्रमात तुम्ही पाहत राहा जय महाराष्ट्र थेट अचूक बिंधास No! <laughs>